पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स मतलब पेट्रोलियम जो है हमें बहुत कम लिमिटेड क्वांटिटी में मिला गया है, ठीक है ना। जो अभी हमने सबसे पहले हमने रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज देखे थे, एक था इनऑक्सॉक्सटिबल और एक था एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे ख़त्म हो सकते हैं, और अनएग्जॉस्टिबल वो हैं जो अनलिमिटेड है, दैट वी कैन यूज़ एनी टाइम, ठीक है। अब पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमारा क्या बनता है? पेट्रोल एंड डीजल, जिनसे आपकी कार्स चलती हैं, जो आपका व्हीकल्स में यूज होता है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब देखिए, जो हमारा कोल था वो किससे बना? जब हमारी फॉरेस्ट जो थे वो सॉइल के नीचे बरीड हो गए, दब गए, तो वो भी हमारा क्या बन गया? एक फॉसिल फ्यूल बन गया, ठीक है। ऐसी जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम कैसे बना? जो आपके जितने भी सी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जब वो मर गए तो उनके डेड बॉडीज जो हैं वो सी बेड पे पड़ी गई, उसके ऊपर और क्ले आ गया और आपका लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले जमती गई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि कोई एयर थी नहीं कि उनको एयर नहीं मिली, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो हमारे सी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स की जो डेड बॉडीज थी, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है। पेट्रोलियम जो है वो एक बहुत डार्क और ऑयली लिक्विड होता है, इसकी एक बहुत गंदी स्मेल होती है, और एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी पेट्रोलियम के अंदर होती हैं। क्या क्या होती है? पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, और पैराफिन वैक्स होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो पर्टिकुलर रिफाइनरी जहाँ पे हम इन सब चीज़ों को पेट्रोलियम में से निकालते हैं, उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। एंड ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम में से निकालने के प्रोसेस को हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग क्या हुआ? रिफाइनिंग इज अ मेथड इन विच वी टेक आउट द पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स दैट इज पेट्रोलियम। अब आप ये देखिए, इसमें जो पेट्रोलियम के हमारे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट्स हैं और उसके यूजेस क्या क्या हैं। पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड इन योर होम एंड द इंडस्ट्रीज। पेट्रोल कहाँ यूज होता है? आपका मोटर के अंदर, यह आप सबको पता है। केरोसिन जो है वो आपका स्टोव्स को जलाने के लिए, लैंप्स को जलाने के लिए और जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए यूज होता है। डीजल जो है उसके अंदर, दैट इज़ यूज फॉर हैवी व्हीकल्स के अंदर यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर लुब्रिकेशन, जैसे आपको दरवाज़ों के अंदर ऑयलिंग डालनी है तो हम सरसों का तेल या कोई एनी ऑयल डाल के कर लेते हैं, बट व्हीकल्स के अंदर जो आपके पार्ट्स होते हैं उनको अगर वो टाइट हो जाए, उनको लुब्रिकेट करने के लिए एक स्पेशल लुब्रिकेट ऑयल आता है। पैराफिन वैक्स हमारी कहाँ यूज़ होती है? वो यूज़ होती है ऑइंटमेंट्स में, कैंडल्स में, वैसलीन एक्सेट्रा में। बिटुमेन मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया था कि ये हमारी रोड सर्फेसिंग को पेंट करने के लिए यूज होती है। तो ये अभी हमने दो नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। थर्ड नेचुरल रिसोर्स जो एग्जॉस्टिबल है वो है आपकी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूसल फ्यूल है, क्योंकि ये हमारा थ्रू पाइप्स ट्रांसपोर्ट हो सकता है। नेचुरल गैस जो है आपका हाई प्रेशर के अंदर कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर होता है, और उसको हम कहते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, CNG इज़ यूज फॉर योर ट्रांसपोर्ट, CNG